नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है। आप देख रहे हैं आपका बाइक गुरु यूट्यूब चैनल, चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, मोटे टायर और पतले टायर बाइक्स में क्यों दिए जाते हैं, इसकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ देने वाला हूं। क्योंकि मोटे टायर के फायदे भी हैं और नुकसान भी, और छोटे टायर के भी फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो जब भी आप बाइक भी वगैरह चलाते हो तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी मोटरसाइकिल्स में टायर पतले दिए जाते हैं और बहुत सारी मोटरसाइकिल में टायर मोटे दिए जाते हैं। तो उनके फायदे क्या होते हैं, वो क्यों दिए जाते हैं, उसका बेनिफिट राइडर्स को क्या क्या मिलता है, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो से शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। आप भी अपने बाइक्स में अगर टायर डालने की सोच रहे हो या टायर मॉडिफिकेशन कुछ करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्प कर सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला है टायर रिलेटेड। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, जैसे 100 सीसी, 100 सीसी या 125 सीसी की डेली कम्यूटिंग की जो बाइक्स होती है उनमें टायर आपने भी कभी देखे होंगे कि उनमें टायर पतले दिए जाते हैं। पतले देने का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्योंकि एक तो उस बाइक में बजट में रखनी पड़ती है और जो पतले टायर रहते हैं उनकी जो कॉस्टिंग भी कम रहती है। तो बाइक बजट में रखने के लिए भी जो टायर्स होते हैं उनको भी बजट में रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत सारी कंपनीज होती है जो अपने डेली कम्यूटिंग बाइक्स में पतले टायर देते हैं। और अगर हम देखें तो मोटे टायर होते हैं दोस्तों, मोटे टायर्स की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। आपने भी नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं तो बाइक्स हमेशा चलाता ही रहता हूँ। अगर आप पतले टायर की बात करोगे और मोटे टायर की बात करोगे तो मोटे टायर की जो बाइक्स होती है उनकी हैंडलिंग काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलती है कंपेयर टू पतले टायर से। अगर आपके पास अगर पतले टायर की बाइक है 100, 110 सीसी या 125 सीसी के बाद अगर आप ट्रैफिक में फंसे होंगे दोस्तों, तो जो पतले टायर्स की बाइक रहती है ना वो ट्रैफिक में इजी टू मूवेबल रहती है, मतलब ट्रैफिक से आप फटाफट निकल सकते हो अगर आपकी बाइक पतले टायर की रहती है तो। लेकिन आपकी वहाँ पे अगर मोटे टायर वाली बाइक रहेगी तो उसको मुड़ने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि वो थोड़े हैवी बाइक महसूस भी होते हैं आपको। क्योंकि मोटे टायर जो होते हैं दोस्तों उनकी जो रोड ग्रिप रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, वो रोड से चिपक के चलते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ता है ट्राफिक में मूवेबल होने के लिए। अगर आप हाईवे पे भी बाइक चलाते हो ना दोस्तों, अगर पतले टायर की बाइक रहेगी तो जो लेन चेंजिंग होती है, मतलब हम लेन चेंज करते हैं ट्रैफिक में या हम हाईवे पे भी, तो लेन चेंजिंग में पतले टायर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं कंपेयर टू मोटे टायर, क्योंकि मोटे टायर हैवी होने की वजह से और रोड ग्रिप उनकी अच्छी होने की वजह से उनको मूव करने में थोड़ा आपको टाइम लेना पड़ता है। अगर आपको इजी वे में बताऊं, पतले टायर रहते हैं उनकी जो फ्रिक्शन रहती है वो कम रहती है कंपेयर टू मोटे टायर, मोटे टायर की फ्रिक्शन काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए जो ट्रैफिक में अगर आप फंसे हो तो जो पतले टायर है वो अच्छा रिस्पांस देते हैं कंपेयर टू मोटे टायर। तो दोस्तों, होंडा की जो बाइक्स आती है जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स है उसमें होंडा जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है टायर्स में लो रोलिंग रेसिस्टेंस, वैसे ही 100 सीसी, 110 सीसी और 125 सीसी की बाइक्स होती है उनमें टायर पतले होने की वजह से वो टायर लो रोलिंग रेजिस्टेंस रहते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे राइडर्स रहते हैं, आप सबने भी एक चीज़ की होगी कि हम क्या करते हैं कि क्लच को दबा के बाइक को ज़्यादा चला लाते हैं। अगर वहाँ पे आपके बाइक का टायर अगर पतला रहेगा और अगर आप बाइक का क्लच दबा के अगर आप बाइक चला रहे हो तो आपका टायर है ना दोस्तों वो ज़्यादा देर तक घूमता रहेगा कंपेयर टू मोटे टायर। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों कि पतले टायर की ग्रिप हमेशा कम रहती है और फ्रिक्शन भी कम रहता है, इस वजह से टायर की रोलिंग यहाँ पे लंबी देखने को मिलती है। आप सब ये चीज़ ज़रूर नोटिस करना, जो 100, 110 सीसी की जो इतनी भी बाइक्स रहती है आप क्लच चला के बाइक को चलाओ जिसका टायर छोटा रहेगा वो बाइक आपको ज़्यादा दूर तक लेके जाएगी आप क्लच प्रेस करके बाइक को चलाओगे तो। अगर हम मोटे टायर्स की बात करेंगे दोस्तों और मोटे टायर्स वाली बाइक को आप क्लच दबाओगे तो आपकी जो बाइक की जो स्पीड होती है वो थोड़ी आपको कम महसूस होती है वही नज़र आएगी, क्योंकि मोटे टायर्स की ग्रिप अच्छी रहती है और जो फ्रिक्शन रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से इंजन को स्ट्रेस आता है टायर को मूव करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इंजन को ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है यहाँ पर मूव करने के लिए टायर्स को, जो मोटे टायर्स रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका पतला टायर रहेगा अगर आप क्लच दबाते हो बाइक का तो वहाँ पर, इसलिए क्या होता है ना दोस्तों कि जो स्मॉल सीसी इंजिन की बाइक रहती है उसमें पतले टायर इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उनकी ग्रिप कम होती है और ग्रिप कम होने की वजह से जो रोलिंग रहती है टायर की वो अच्छी रहती है और रोलिंग अच्छी होने की वजह से इंजन के ऊपर स्ट्रेस कम आता है और वहाँ पर आपका इंजन से माइलेज अच्छा निकलता है। मोटे टायर्स की बाइक रहेगी तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ग्रिप अच्छी रहती है, ग्रिप अच्छी होने की वजह से इंजन को स्ट्रेस आता है टायर को मूव करने के लिए। दोस्तों, आपने भी एक चीज़ देखी होगी कि हीरो स्प्लेंडर, बजाज प्लेटिना, टीवीएस विक्टर, इन बाइक्स में ना दोस्तों पतले टायर क्यों दिए जाते हैं,
क्योंकि अगर पतले टायर अगर बाइक में होंगे देख तो माइलेज अच्छा बढ़ता है, और जो इंजीनियर्स जो इंजन को डिज़ाइन करते हैं उनको टायर्स को भी अच्छी तरह से मैचेबल होना चाहिए बाइक के साथ, अगर वो वैसे नहीं रहेंगे तो बाइक स्किट हो जाएगी, क्योंकि जितनी बाइक की पावर है दोस्तों उस हिसाब से ही टायर्स बाइक में देना ज़रूरी होता है। अगर अगर आप वहाँ पे ज़्यादा मोटे टायर दोगे तो उसका इफेक्ट आपके माइलेज के और परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाएगा, और ज़्यादा ही पतले दे दोगे तो बाइक बैलेंस अच्छा नहीं ठीक से नहीं कर पाएगी, बाइक हमेशा स्किट होती रहेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों वो क्या करते कि 150 सीसी बाइक्स में ज़्यादा माइलेज मिले इसके लिए 100 सीसी के बाइक के टायर लगा देते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इंजन आपका पावर ज़्यादा जनरेट करेगा पर उस हिसाब से टायर उस पावर को झेल नहीं पाते हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप भी कभी ऐसा मत करना दोस्तों कि आपकी अगर 150 सीसी की बाइक रहेगी उसमें आप 100 सीसी बाइक के टायर लगवाते हो तो वहाँ पे माइलेज तो थोड़ा सा बढ़ेगा पर आपकी जान भी यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि गाड़ी ज़रा भी बैलेंस नहीं पकड़ती है। अगर वहाँ पे कुछ भी अगर आप हाई स्पीड पे भी जाते हो 150 सीसी बाइक से 100 सीसी के टायर के साथ तो वहाँ पे भी बाइक के जो टायर है दोस्तों वो अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंजन से जो पावर आ रही है उसको वो संभाल नहीं पाते हैं। तो हमेशा जो इंजीनियर होते हैं वो इंजन के हिसाब से टायर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास अभी दोस्तों पल्सर 220 है, तो उसमें भी है ना दोस्तों स्पीड रेशो मेंशन किया होता है कि मेरे जो बाइक के टायर है वो कितना स्पीड झेल सकते हैं। अगर मेरे जो बाइक के टायर उसमें 150 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेरे टायर झेल सकते हैं, उससे आगे अगर मेरी बाइक जाती भी है तो वो टायर जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास भी कोई बाइक रहेगी तो उसके टायर के ऊपर बाइक का टायर कितना झेल सकता है स्पीड वो भी मेंशन रहता है, तो उस हिसाब से ही आप अपनी बाइक में हमेशा टायर डलवा के ले लो, जो कंपनी कहती है उस हिसाब से ही आप डलवा के हमेशा ले लो अपनी बाइक्स में टायर्स, क्योंकि वहाँ पे अगर आप अच्छी तरह से टायर अपनी बाइक्स को नहीं प्रोवाइड करोगे तो बाइक आपकी बैलेंस खो देगी, स्किड करना शुरू कर देगी। तो दोस्तों जैसे मोटरसाइकिल में टायर इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे ही मोटरसाइकिल में ब्रेकिंग पावर अच्छी होना वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें दोस्तों तो जो छोटे टायर रहते हैं उनमें आपने लगातार देखा होगा कि उनमें ड्रम ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि छोटे टायर्स की जो ग्रिप होती है दोस्तों वो कम होती है, फ्रिक्शंस कम होता है, इसकी वजह से उनकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। क्योंकि क्या है ना दोस्तों अगर फ्रिक्शन और ग्रिप कम रहेगी तो वो ब्रेक लग जाते हैं, पर यहाँ पे क्या है ना दोस्तों अगर आपके पास मोटे टायर की बाइक रहेगी उसमें डिस्क ब्रेक हमेशा दिया जाता है। उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि जो मोटे टायर्स रहते हैं उनकी जो ग्रिप और फ्रिक्शन दोनों अच्छी रहती है, इसकी वजह से स्टॉपिंग पावर भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे क्या होता है कंपेयर टू अगर हम ड्रम ब्रेक टू कंपेयर टू डिस्क ब्रेक, डिस्क पैड जो होता है दोस्तों वो जल्दी ख़राब होता है, क्योंकि उन टायर्स को जो मोटे टायर्स रहते हैं उनके रोकने को ज़्यादा पावर लगती है डिस्क पैड को। तो यहाँ पे डिस्क पैड का मेंटेनेंस आपको मोटे टायर में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू छोटे टायर। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ सोच लो दोस्तों अगर आप छोटे टायर वाली बाइक ले रहे हो कोई भी तो वहाँ पे डिस्क ब्रेक अगर नहीं रहेगी तो भी उसकी जो ग्रिप होती है मतलब ब्रेकिंग कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, इसकी वजह से उनमें डिस्क ब्रेक नहीं दिया जाता। पर जितनी भी बड़े टायर्स वाली बाइक होती है उनमें डिस्क ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रोड की फ्रिक्शन और रोड की ग्रिप बड़े टायर्स में आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो वहीं पर जो फ़र्क आता है मेंटेनेंस का, तो आपको मोटे टायर्स में थोड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ती है कंपेयर टू छोटे टायर्स। तो दोस्तों जिस हिसाब से इंडियन रोड्स की जो हालत है आपको 40% रोड्स ही आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएंगे इंडिया में, पर जहाँ आपको अगर प्रॉब्लम कहाँ पे होता है दोस्तों जब बारिश आती है, तो मैं रहता हूँ मुंबई में तो यहाँ पे बारिश में तो रस्तों की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जब रास्तों की हालत ख़राब हो जाती है बारिश में तो मिट्टी ऊपर आ जाती है, रोड्स की लेवल है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है, पर वहाँ पे आपके बाइक के अगर टायर मोटे रहेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा मोटे टायर्स की ग्रिप और फ्रिक्शन अच्छा रहता है, इसकी वजह से स्किट नहीं होती है बाइक। पर वहाँ पे अगर आपकी छोटे टायर्स की बाइक रहेगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है कि पतले टायर्स की जो ग्रिप होती है वो अच्छी नहीं देखने को मिलती है दोस्तों, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी होती है छोटे टायर्स की वो कम होती है कंपेयर टू मोटे टायर। मोटे टायर होने की वजह से रोड को जो चिपक के चलती है और जो छोटे टायर होते हैं उनका बनावट ही छोटी रहती है मतलब पतली रहती है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रिप नहीं हासिल कर पाते रोड पे। तो जहाँ पे अगर ख़राब रोड रहेगा तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मोटे टायर्स वाली बाइक आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगी कंपेयर टू पतले टायर। पर यहाँ पे एक मामला भी आ जाता है दोस्तों, अगर राइडर्स अच्छा रहेगा प्रोफेशनल रहेगा अच्छी तरह से बाइक को हैंडल करता होगा तो वो भी बाइक को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। पर कहीं कहीं क्या हो जाता है ना दोस्तों कि बिगिनर राइडर्स रहते हैं उनको रोड्स या बाइक्स का इतना अंदाज़ा नहीं आता है,
वहां पे बिगनर राइडर के अगर कोई मोटे टायर वाली बाइक चला रहा है तो उसको भी वो कॉन्फिडेंस आएगा उसमें अगर रोड खराब रहता है तो। पर बिगिनर राइडर अगर पतली टायर वाली बाइक को चलाएगा तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो जो ग्रिप होती है टायर की, पतले टायर की, वो वहाँ पे थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से मैंने भी रोड्स पे बहुत सारे एक्सीडेंट से देखे हैं कि रोड की धूल मिट्टी वगैरह पूरा ऊपर आ जाती है और वहाँ पे जो छोटी छोटी सीसी वाली बाइक्स होती है वो स्किड कर जाती है कंपेयर टू बड़े टायर वाली बाइक से। तो आप भी अगर बिगिनर राइडर हो दोस्तों तो हमेशा ये डिसीजन आप ले लो कि आपको बड़े टायर वाली बाइक लेनी है या पतले टायर वाली बाइक लेनी है, क्योंकि इंडियन रोड्स कहीं भी आपको अच्छे इतने अच्छे नहीं देखने को मिल जाते, ऊपर नीचे तो होते ही है। सिटी में चलाओ या गांव खेड़ों के एरिया में चलाओ, आपको अगर आपको लगता है कि मुझे बाइक से या मुझे डैमेज नहीं होना है तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप थोड़े मोटे पतले मतलब मोटे टायर वाली आप बाइक हमेशा सजेस्ट करो। तो दोस्तों मैंने आपके साथ अभी जो शेयर किया वो बारिश वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, पर कैसे होता है ना, जो मोटे टायर्स रहते हैं दोस्तों वो ऑल वेदर सेट रहते हैं, मतलब आप किसी भी वेदर में बाइक को चला सकते हो। अगर आपके बाइक के टायर्स मोटे रहेंगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो अच्छी रहती है मोटे टायर्स में। तो दोस्तों अगर हम कॉर्नरिंग की बात करें तो कॉर्नरिंग के लिए पतले टायर भी अच्छे रहते हैं, मतलब बाइक को आप लीन कर सकते हो, झुका सकते हो जल्दी से, पर उसको लीन करते वक्त या कॉर्नरिंग करते वक्त पतले टायर वाली बाइक जो रहती है दोस्तों उनमें आपको थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जो टायर की लेयर होती है वो पतली होने की वजह से आपको बाइक को बैलेंस करना यहाँ पे बहुत मुश्किल का काम होता है कंपेयर टू मोटे टायर। मोटे टायर्स के क्या होता है दोस्तों कि रोड ग्रिप अच्छी रहती है, फ्रिक्शन अच्छा रहता है, इसकी वजह से आपको थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है कॉर्नरिंग के वक्त, पर वहाँ पे आप कॉर्नरिंग करने जाते हो मोटे टायर से तो आपको जो कॉन्फिडेंस रहता है वो अच्छा रहता है, मतलब आपको बाइक को झुकाने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती है, उसको बैलेंस करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती है। टायर पतला होने की वजह से यहाँ पे अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हो दोस्तों आप झुका सकते हो बाइक को, पर उसको स्टेबल रखने में आपको तकलीफ होती है कंपेयर टू मोटे टायर। मोटे टायर का फ्रिक्शन और ग्रिप दोनों अच्छी होने की वजह से रोड से चिपक के चलती है, मतलब आप झुका के भी बाइक को चलाते हो तो आपको कोई ऐसा कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ नहीं नजर आएगा। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करें दोस्तों तो मोटे टायर में आपको ज़्यादा एक्सीलरेशन देना पड़ता है, जिसका लॉस क्या होता है, इंजन के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है और पेट्रोल की खपत ज़्यादा होती है क्योंकि रोड ग्रिप अच्छी होने की वजह से। और पतले टायर की रोड ग्रिप अच्छी नहीं होने की वजह से आपको एक्सीलरेशन में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, इसकी वजह से छोटे टायर्स मतलब छोटी जो बाइक्स रहती है उनमें पतले टायर्स दिए जाते हैं। फ़ायदा यही होता है कि माइलेज अच्छा निकल पाए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मामला निकल के आता है कि हमको पतले टायर वाली बाइक लेनी चाहिए या मोटे टायर वाली बाइक लेनी चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी नीड क्या है, आपकी नीड के हिसाब से बाइक को सिलेक्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों कि लोग क्या क्या करते हैं कि स्प्लेंडर 100cc की बाइक्स में 220 के टायर लगवा देते हैं या 150cc की बाइक के टायर लगवा देते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, इंजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है और वो टायर हैवी होने की वजह से वो टायर मतलब मैचिंग नहीं हो पाता है, इंजन की जो पावर होती है और टायर की जो फ्रिक्शंस होती है वो मैच नहीं हो पाती है। इसकी वजह से ना वो क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपकी नीड क्या है उस हिसाब से आप बाइक में टायर हमेशा लगवा के ले लो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अगर आप 220cc बाइक के टायर अगर आप 100cc में लगवा दे तो पहला इफेक्ट जो गिरता है इंजन के ऊपर, इंजन का माइलेज डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है, सिर्फ आपको दिखने के लिए अच्छी वो चीज़ दिखेगी पर वो कुछ इतनी काम की नहीं हो पाती है। इसलिए आप हमेशा जो टायर होता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमेशा बाइक में सेट करके ले लो। तो आपने भी देखा होगा दोस्तों, मेरे दोस्त ने ही ऐसा काम एक काम किया है, क्योंकि उसने उसके पास एक्सपल्स थी तो एक्सपल्स में उसने नॉर्मल कोई यूनिकॉर्न के टायर्स उसमें सेट कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया दोस्तों वो बाइक की ग्रिप अच्छी नहीं बन पा रही थी ऑफ रोडिंग में भी। तो प्रॉब्लम यही होता है दोस्तों, अगर हम जिस हिसाब से कंपनी जो फिट करके देती है बाइक में टायर वही टायर आप हमेशा बाइक में यूज़ करो, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग के बाद वो कंपनी डिसाइड करती है जो मॉडल है उसको कौन से टायर परफेक्ट रहने वाले हैं। तो कोई भी आप प्रयोग करने की सोच रहे हो टायर्स में, क्योंकि टायर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मोटरसाइकिल के लिए, वहाँ पे आपने कुछ गलती कर दी तो बाइक की बैलेंसिंग बिगड़ती है, बाइक की हैंडलिंग भी बिगड़ती है, बाइक का परफॉर्मेंस भी बिगड़ता है, बाइक का माइलेज भी बिगड़ता है। तो हमेशा जो अच्छा रेटेड जो कंपनी कहती है उस हिसाब से आप टायर हमेशा बाइक में लगवा के ले लो, क्योंकि क्या है ना दोस्तों अगर हमको कोई बाइक अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है तो उस इंजन ऑयल के साथ साथ टायर भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक मोटरसाइकिल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो का लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही मोटरसाइकिल और स्कूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।